हे गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे पास पोको C31 फ़ोन। और आज इस फ़ोन का दोस्तों पैटर्न रिमूव करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पैटर्न लगा हुआ है और यहां पे कुछ भी पैटर्न डालने से मतलब सब पैटर्न गलत बता रहा है। ओके, आप भी अगर अपने फ़ोन का पैटर्न भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ये देख लीजिए, पावर बटन जो है इससे फ़ोन को ऑफ करना है पहले। ओके, पावर बटन प्रेस करके रखिए कुछ सेकेंड, और यहाँ पे देखिए पावर ऑफ का ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पे पावर ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको C31 ही फ़ोन है। और अब दोस्तों यहाँ पे फ़ोन ऑफ हो चुका है, यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। किस तरीके से ये देख लीजिए, ये पहले पावर बटन प्रेस, वॉल्यूम अप। ओके, और यहाँ पे एक वाइब्रेट होगा, तो वेट करते हैं। ये वाइब्रेट जैसे होगा आपको यहाँ से पावर से फिंगर को हटा देना है और वॉल्यूम अप कंटिन्यू दबाए रखना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टच काम नहीं करेगा। ओके, कुछ भी काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बटन से काम करना पड़ेगा। सेकेंड जो ऑप्शन है वाइप डाटा, इस पर जाना है वॉल्यूम डाउन बटन से। ओके, जो वॉल्यूम अप डाउन करते हैं ना, डाउन बटन प्रेस कीजिएगा, देखिए डाउन आ गया। और यहाँ पे एंटर के लिए यहाँ पे पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे देखिए वाइप ऑल डाटा, ओके, मुझे वाइप ऑल डाटा करना है, यहाँ पे सिर्फ पावर बटन प्रेस करते हैं। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कन्फर्म, तो वॉल्यूम डाउन से कन्फर्म में जाना है और यहाँ पे पावर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए वाइप हो रहा है, फ़ोन में जितना भी डाटा रहेगा सारा चीज़ इससे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाटा वाइप सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे सिंपली पावर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे रिबूट वाला जो ऑप्शन है ब्लू है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपका पावर बटन सिर्फ प्रेस करना है। ओके, यहाँ पे देखिए रिबूट टू सिस्टम है, पावर बटन प्रेस करना है। तो पावर बटन प्रेस करने से ये होगा कि फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। आप फ़ोन में कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, जैसे ऑन हो रहा है ऑन होने दीजिए। 4 से 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। तो अभी मेरे फ़ोन में ज़्यादा कंटेंट नहीं था, कुछ भी फ़ोटो वीडियो नहीं था, तो हो सके तो जल्दी हो सकता है। तो अभी वेट कर लेते हैं, कितना टाइम लगता है आप देख लीजिए वीडियो में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 12 वाला पेज आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, अब यहाँ पे सेटअप करना है, यहाँ पे एरो पे प्रेस करते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश है, नेक्स्ट करते हैं, इंडिया है, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए सेटिंग रीजन हो रहा है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ऐसे आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी जीमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपको डाल के कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिम कार्ड, आपके पास अगर जो फ़ोन में सिम कार्ड था वो सिम कार्ड डाल दीजिए, इस फ़ोन में जो था। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए वाईफाई मांग रहा है, यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई कनेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप वगैरह लेना तो ले सकते हैं, डोंट कॉपी करते हैं। यहाँ पे फिर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चेकिंग इन्फो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न मांग रहा है और यहाँ पे गूगल आईडी मांग रहा है। तो आपको अगर पैटर्न याद नहीं है तो यहाँ पे गूगल आईडी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं, पैटर्न याद है तो पैटर्न डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए यूज़ गूगल अकाउंट इंस्टेंट कीजिएगा, और यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डालना है आपके प्ले स्टोर में जो लॉगिन था। ओके, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपको अगर जीमेल आईडी पासवर्ड भी नहीं पता है फ़ोन का, और फ़ोन में जो पैटर्न डाले थे वो भी नहीं पता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ किस तरीके से आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अगर अपने फ़ोन का पासवर्ड, गूगल आईडी, जीमेल आईडी जो भी है पासवर्ड भूल चुके हैं, तो किस तरीके से निकलना है उससे बाहर, वो बता दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको अगर हार्ड रीसेट करना आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू गाइस।